आज से बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिन के मालवा दौरे पर आ रहे हैं। अपने दो दिन के मालवा दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर तो वहीं उज्जैन दोनों शहरों का दोनों जिलों का रुख करेंगे। इंदौर और उज्जैन दौरे पर रहेंगे। उज्जैन में बाबा महाकाल और गोपाल मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन करेंगे, तो उज्जैन में कई मंत्री और नेताओं से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात करेंगे, तो वहीं मंत्री मोहन यादव और उषा ठाकुर के घर भी जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इंदौर और उज्जैन के विधायकों से मुलाकात करेंगे। अपने आप में मालवा दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये काफी खास रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पीयूष पारे, हमारे संवाददाता इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, जाहिर है कि इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, यहां पर सबकी नजरें हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंदौर और उज्जैन दौरा, क्या मायने निकाले जाए उनके इस दो दिनी मालवा दौरे के? देखिए, बिल्कुल काफी अहम ये दौरा है दीपक। जिस तरह से हम लोग देखें तो आगामी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होना है, उस लिहाज से मालवा की जो सीटें हैं वो काफी मायने रखती है। लिहाजा इन्हीं सीटों पर समीकरणों को जमाने के लिए सिंधिया पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वे इंदौर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे जो है वो महाकाल की नगरी उज्जैन रवाना हो जाएंगे। वहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, सांसद से मुलाकात होगी, मंत्रियों से मुलाकात होगी, और फिर इसके बाद में वे यहाँ पर जो हर साल शाही सवारी में शामिल होते हैं परंपरागत तौर पर, उस सवारी में शामिल होकर पूजन भी करेंगे, और उसके बाद में वे सीधे इंदौर पहुंचेंगे। और इंदौर में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं की हम लोग बात करें तो एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, इन दोनों के घर जाकर उनकी मुलाकात होगी। एक बात काफी अहम है दीपक की बीजेपी कार्यालय भी वे पहुंचेंगे जावरा कंपाउंड स्थित, यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में कहीं ना कहीं मालवा में किस तरह से आगामी जो समीकरण होंगे उन्हें भी यहाँ पर वे समझेंगे, और कार्यकर्ताओं नेताओं को एक तरह से कहीं ना कहीं रिचार्ज भी करने के लिए सिंधिया पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता रहे हैं पीयूष पारे कि जाहिर है कि ये अपने आप में काफी खास और एक महत्वपूर्ण दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का मालवा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि बाबा महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि सियासी मायनों में और उपचुनाव के मायनों से ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि सांवेर विधानसभा सीट में जाहिर है कि संभावित उम्मीदवार के तौर पर तुलसी सिलावट एक तरफ उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के लिए, और ना सिर्फ तुलसी सिलावट के लिए बल्कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा।